पिक्चरसारखी शूटिंग करायची मला. मी एक एक पार्ट घेतो ना, ते स्टार्ट झालं नाही एरिया उरला नाही. कुठं घेऊ नाही काय आहे? नाही, आस्था स्वयंरोजगार संस्था जो है
उनको कुछ कॉर्पोरेशन के जो पब्लिक टॉयलेट्स हैं उनका मेंटेनेंस का काम दिया हुआ है और उन्होंने ये पब्लिक टॉयलेट स्वच्छ रखने के लिए ये मशीन ये गाड़ी खरीद ली है और इसमें कुछ फैसिलिटीज दी है वो खुद उसकी इंफॉर्मेशन देंगे। ये जो गाड़ी से का जो उपयोग करने वाले अब जो सार्वजनिक शौचालय जो है आपके माध्यम से जो अपॉर्चुनिटी जो सूचना मिली थी तो लोगों को जो सुविधा नहीं मिलती है कुछ ऐसे ही है यहाँ पे नदी किनारे बोरिंग का पानी लगा नहीं है और वहाँ पे पानी उपलब्ध नहीं होता तो वहाँ पे इसके अंदर जो पानी की टाँकी रखेले जनरेटर रखेले लाइट भी बंद होती है तो इससे काफ़ी अच्छी रिलीफ मिलेगा शौचालय साफ रखने के लिए और हमारा ऐसा 5 मिनट के अंदर शौचालय सफाई होगी और ज़्यादा से ज़्यादा काम करने की हम लोग कोशिश करेंगे आप लोगों के सबके माध्यम से और हमारी संस्था को आप लोगों का आशीर्वाद है तो एक वो भी मिलेगा पुरस्कार। थैंक यू। कितनी लीटर की टाकी है इसमें? 1 लीटर की टाकी है। कितनी गाड़ी है? पहली गाड़ी इस गाड़ी की है जैसे जैसे अगर उसको मिलता है हमको तो इंशाल्लाह दूसरी गाड़ी का भी बंदोबस्त करेंगे। कितने कर्मचारी इस पर काम करेंगे? इसके ऊपर 3 कर्मचारी काम करेंगे और ये 24 घंटा कम से कम 12 से 13 घंटा दिन भर घुमाने की कोशिश करेंगे कि जाते भी जाए जरूर दे वहाँ पर पहुँच के सब कर दे। पहली ओवर में दो विकेट। एक मिनट ये वाला असम मागे वाला अरे वायर बदलने पड़ेंगे नाव काय अपारी जाड़िया के बॉल से अनिल जावड़ेकर तीसरी ओवर की पहली गेंद लेकर अखिल भाई को बाजू में होकर इसको मारने की कोशिश की है इसको धोनी का धोबी बचाड़ शॉट बोलते हैं। नहीं भाई को नहीं भाई ने उठा के मारा है नवीन देख देखते कैच ले सके जाए 6 रन के लिए। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि ये मर्तबत है ऐसा हुआ कि मैंने कहा कितनी खराब बात है लेकिन आयुक्त मध्य विभाग की जानेब से जो मदद की गई और नगर सेवक जिस इलाके के जिसमें खास तौर से डॉक्टर सरफराज साहब मैं जनता के सभी के लिए जोरदार तालियां हो चुके हैं। तीसरी ओवर की आखिरी गेंद जो कि और प्रैक्टिस भी होना बहुत जरूरी है। शॉर्ट ऑर्डर गेंद बहुत ऊंचा मारा देखना कौन उसे पकड़ता है या नहीं बहुत ऊंची गेंद है ये क्या छूट गया है नहीं भाई ने मारी कोई जिसकी 43 तीन विकेट के नुकसान पे चौथी ओवर चल रही है चौथी ओवर की 30 और देवा बात बहुत अच्छी लाइन मारी है तैयारी कर का संपूर्ण स्वागत और ये स्कूल के लिए नहीं भाई का स्कोर हो चुका है 91 रन ये 1900 लोग तकदीर भी उसी को समझते हैं और घड़ी में 10 बजकर धूप तो कभी छाया पहली गेंद फारूक शाह जिन्होंने ये पैर पे लगी अगर ये वाइट का इशारा तो नहीं होना चाहिए बैटिंग की ओर से ये गेंद बहुत अच्छी कैच की संभावना थी लेकिन कोई फील्डर मौजूद नहीं ये तीसरा गेंद यहाँ पर आएगा वो बदले में अभी दूसरे ओवर की चौथी गेंद लेकिन नाकाम ये सवाल जसारी हमारे उमेर साहब महापौर एक अपील हुई थी वहां पर के बैट का किनारा लगने का कॉट एंड बोल ओवर की समाप्ति 15 के स्कोर पर 2 ओवर हमारे बड़ा अच्छा शानदार योग किया कुछ बातें मजाक की है वो मजाक के तौर पर ही और ये शॉट ऑफ करके साहब ने कोशिश की मारा गेंद पहले गेंद विकेट 3 विकेट मनोज वा कोच चल जाएगा देखिए साफ सुथरा ही
बाकी से अधिकारी वर्ग, कर्मचारी वर्ग और नगर सेवक के बीच में ये मैच रखा हुआ है। पांचवी ओवर की दूसरी गेंद और ये गेंद तीस रन के योगदान से जाकर पठान के मुंडा के पठान किल टारगेट लग रहा है। राव साहब ने पहली गेंद पर ये कर रहे इस गेंद को सीध और तीसरे अंपायर अर्शद भाई और ये आउट कारी की ओर जिनका हमें सौभाग्य रहा है अमीन पटेल। बहुत भैया ऐसा पीछे आओ ना उनके बाद विजेता टीम अपना अरे इधर सामने देखो भैया लगान की टीम एक की चौकसी करने के लिए जो कि फिक्सिंग हुआ था क्या हो रहा था फिक्सिंग करेगा। जोरदार तालियां विजेता संघ के लिए और ग्राउंड का बहुत अच्छी मेहनत की शाबान उस्ताद एक ट्रॉफी उन्हें भी शाबान उस्ताद। ग्राउंड पूर्ण साफ केला है लोकान प्रवृत्त के या ठिकाणी निघण्यासाठी। चलो सब मुस्कुराइए टीवी पर हम दिखने वाले हैं। मुस्कुराते रहे आबाद रहे हंसते रहे हंसाते रहे सबको पल्स पोलियो के बूंद पिलाते रहे। सभी अपने जगहों पर खड़े रहेंगे इसके बाद में राष्ट्रगीत होगा। राष्ट्रगीत के लिए भारत स्वच्छ अभियानामध्ये राज्यामध्ये मोठ्या प्रमाणामध्ये मोहीम सुरू आहे। धुळे शहर आपण हागणदारी मुक्त असल्याचं सिद्ध करून दाखवलेलं आहे। वेगवेगळ्या मूल्यांकनामध्ये आपण अग्रेसर आहोत। आज आपण जिथं उभे आहोत हा एक खुल्यासाठी खुल्यावर शौच करण्याची जागा होती। याला लिंब्याचा मळा किंवा कबीरगंज मैदान असं म्हटलं जात होतं आणि इथं मोठ्या प्रमाणामध्ये दुर्गंधी आणि मोठ्या प्रमाणामध्ये उघड्यावर शौच करण्याची जागा म्हणून सगळ्या आजूबाजूच्या परिसरामध्ये प्रसिद्ध होती। तथापि परिसरातील नागरिकांच्या सहकार्यामुळे आणि महापालिका स्थानिक नगरसेवक आणि सर्व बाजूंनी योग्य प्रकारे यामध्ये सहकार्य लाभल्यामुळे आणि प्रसिद्धीही चांगल्या पद्धतीने झाल्यामुळे ही जागा हागणदारी मुक्त झालेली आहे। आज मला अतिशय आनंद होतो की या जागेमध्ये आम्ही एक क्रिकेटसारखी स्पर्धा घेऊ शकलो आणि या स्पर्धेमध्ये महापौर उपमहापौर सन्माननीय सदस्य सभागृह नेते याशिवाय स्थानिक नागरिक हे सर्व उपस्थित राहिले। त्यांनी त्यांची स्वतःची एक टीम दिली आणि त्या टीमचं नाव लगान टीम होतं। याशिवाय कर्मचारी अधिकारी यांची एक टीम होती त्या टीमचं नाव दंगल होतं। आणि यात विशेष नमूद करावं असं वाटतं की ज्या पद्धतीनं नगरसेवकांची टीम यामध्ये उतरली त्यांनी ही ट्रॉफीसुद्धा जिंकली आणि त्यांचा सहभाग त्यांनी सिद्ध करून दाखवला। असाच भविष्यामध्ये स्थानिक नागरिक आणि नगरसेवक यांच्या सहभागाची अपेक्षा करतो आणि आमचं धुळे शहर हागणदारी मुक्त राहण्यासाठी आणि पुढे भविष्यात टिकवण्यासाठी प्रयत्नशील राहण्यासाठी मी तेव्हा एकदा पुन्हा एकदा आवाहन करतो। तर शहरामध्ये एकूण 44 हागणदारीसाठीचे स्पॉट आहे होते। त्यातील बहुतांश ठिकाणी साफसफाई झालेली आहे। क्रिकेटचं मैदान जसं इथं झालेलं आहे असं आणखी काही ठिकाणी आपण करण्याच्या प्रयत्नात आहोत की जेणेकरून त्या जागेचा पुन्हा उघड्यावर शौचास बसण्यासाठी वापर होणार नाही अशा प्रकारचा आपण प्रयत्न करणार आहोत। अर्थातच यासाठी स्थानिक नागरिक यांचा मोठ्या प्रमाणात सहभाग आवश्यक राहील कारण ही एक वेळ करण्याची गोष्ट नाही किंवा ही फक्त महापालिकेने पाहण्याची गोष्ट नाही आहे। यात सर्वांचा सहभाग असेल तरच अशा प्रकारचे उपक्रम होऊ शकतात आणि भविष्यात टिकू शकतात।